गुड मॉर्निंग, मैं प्रशांत गहलोत, एंशंट इंडिया एग्री बिजनेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है क्रैब फार्मिंग, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको जो सेवा के ट्रेनिंग के कुछ वीडियोज हैं वो भी आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए मिल जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। वेलकम। A self initiative for rural development and self employment inspired by FAO. Vision 2021, Ancient India, Prachin Bharat. Low investment business ideas and secure your investment. Training and knowledge partner, consultant, business planner and partner. Free awareness campaign and educational series for fish and shrimp farming and much more. Advice to zaruri hai, we are building the trust. Humne aquatic animals ko leke bahut sari series shuru kiya hua hai apna YouTube channel Ancient India Agri Business mein. Jo aaj ka hamara video fall karega wo series 10 crab farming in North India. तो जो मेन स्पेशीज़ हैं आपका क्रैब फार्मिंग का, जो भारत में स्पेशली रिकमेंडेड है, तो वो ये दो स्पेशीज़ हैं आपका, जो स्काइला सेरेटा सॉफ्ट क्रैब में और आपका सॉफ्ट सेल में, हार्ड क्रैब में, दोनों में ही ये यूज़ होता है। स्काइला सेरेटा नोन एज मड क्रैब और मोर एम्बिगुअसली एज अ मैनग्रोव क्रैब और ब्लैक क्रैब इज एन इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट क्रैब स्पीशीज फाउंड इन द एस्टुरीज एंड मैनग्रोव्स ऑफ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया। इन देयर मोस्ट कॉमन फॉर्म द शेल कलर वेरीज फ्रॉम अ डीप मॉटल्ड ग्रीन टू वेरी डार्क ब्राउन, जनरली कुक्ड विद देयर शेल ऑन व्हेन दे मोल्ड देयर शेल। They can be served as a seafood delicacy, one of many type of soft shell crab. They are among the tastiest crab species and have a huge demand in South Asian countries, where they are often bought alive in the market in the northern state of Australia and especially Queensland. Mud crab are relatively common and generally prized above other seafood within the general public. जब आप मड क्रैब का फार्मिंग करने जा रहे हैं तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है आपका वाटर। तो कुछ पैरामीटर्स हमने जॉट डाउन किए हैं, तो मोटा मोटा सा उसको समझ लेते हैं। जो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है वो 28 से 32 डिग्री का है। लोअर टेम्परेचर है स्लोअर ग्रोथ, टू हाई टेम्परेचर कॉज स्ट्रेस। सैलिनिटी जो है 10 प्लस ग्राम पर लीटर होना चाहिए। टॉलरेंस जो है उसका 10 से 45 तक, पर ज़्यादा सैलिनिटी में ग्रोथ पर उसकी इश्यूज आता है, सर्वाइवल अच्छा होता है। ऑक्सीजन 5 प्लस मिलीग्राम पर लीटर, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन का नहीं है पर आपकी वाटर क्वालिटी को सपोर्ट करता है। एल्कलिनिटी जो है 160 मिलीग्राम पर लीटर, जो आपके पीएच को मेंटेन करेगा। पीएच जो है आपका 7.5 से 8.5 रहेगा। अनआयनाइज्ड अमोनिया एमएसटी की वैल्यू 0.25 मिलीग्राम पर लीटर, जिससे आपकी वाटर क्वालिटी को मेंटेन रखेगा और आपका एक्वाटिक एनिमल्स को ग्रोथ भी अच्छा मिलेगा। नाइट्राइड जो है लेस देन इक्वल टू 5 से 25 मिलीग्राम पर लीटर, नाइट्रेट लेस देन इक्वल टू 150। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड जो है 400 से 500 मिलीग्राम पर लीटर, उससे कम होगा तो मिनरल्स वगैरह उसमें कम होंगे तो ओवर प्रोडक्शन पे डालेगा। तो ऑप्टिमम रेंज है सस्पेंडेड सॉलिड 10 से 14 मिलीग्राम पर लीटर, टू मच में रिजल्ट इन एनारोबिक पोटेंशियल, तो कंजम्पशन बढ़ाएगा। तो ये मोटा मोटा पैरामीटर्स को ध्यान रखें जब भी आप अपना कल्चर करें। फार्मिंग मॉडल्स जो है आपका ग्रो आउट पॉन्ड 80 से 120 सेंटीमीटर, जैसे आप श्रिम्प के लिए, फिश के लिए करते हैं, तो उसी टाइप के आप ग्रो आउट पॉन्ड्स बना सकते हैं। मैनग्रोव स्पैन में आप उनको कर सकते हैं। सेल्युलर सिस्टम, जो आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे,
रॉक्स इस टाइप में या फिर कल्चर टाइप उस टाइप में भी आप फार्मिंग कर सकते हैं। सैम्पल सेटअप डिज़ाइन से आपके लेफ्ट साइड में देख रहे हैं बॉक्स के टाइप का जो करते हैं, एक एकड़ में 30 से 40 हज़ार बॉक्सेस थोड़ा रिसोर्स इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव है बट प्रॉफिटेबल भी है पर लेबर्स लगते हैं। सेकेंड पिक्चर में देख रहे हैं आप क्रैब बॉक्स में बॉक्स फार्मिंग कर सकते हैं, वाटर सर्कुलेशन के लिए सिस्टम्स वगैरह लगते हैं, साइड में मशीन्स वगैरह दिया हुआ है, केज कल्चर कर सकते हैं। कुछ इनोवेशन है अपना साउथ इंडिया की साइड से जहाँ पे फार्मर्स इस तरह से कल्चर कर रहे हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग है बट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स इज रिक्वायर्ड टू सस्टेनेबिलिटी। डिफरेंट स्टेजेस हैं आपकी क्रैब की, छोटा क्रैब जो होगा क्रैबलेट बोलते हैं, बाद में हम उसको फैक्चरिंग करके यूज करते हैं अपने फार्मिंग मॉडल में। दिस इज आवर टीम, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। हमने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, अगर आप कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो 9971155753 इज़ आर नंबर। वी आर एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस, आवर मोटो इज लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज एंड सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। वी आर द प्रोग्रेसिव फार्मर ट्रेनिंग एंड नॉलेज पार्टनर कंसल्टेंट बिजनेस प्लानर एंड पार्टनर। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में जो इसका कमिंग वीडियोज है उसमें आप डिटेल टेक्निकल डिस्कशन देखेंगे। सीबा का प्रेजेंटेशन है वो साइंटिस्ट के थ्रू, तो वो हमने अपना सेकंड पार्ट में ऐड किया है, तो लास्ट तक बने रहिए। जो भी आपके कमेंट हैं, जो भी आपके सजेशन है कमेंट बॉक्स में दीजिए, वी विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू, और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश करेंगे so that you can do the good culture and good farming.